क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक और दो के बीच में पांच परिमेय संख्या ज्ञात करने। ऐसे तो कोई भी दो संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होता है, वो कुछ भी अपने मन से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाए कि यही मेथड से बनाया जाए तो उस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो अपने मन से निकाल देंगे, ठीक है, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है पांच परिमेय संख्या, तो पांच परिमेय संख्या बोल रहा है तो उसको किस तरह से निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन दिया गया लिख देंगे, कौन सी क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो एक संख्या एक दे दिया है और दूसरी संख्या क्या दे दिया है, दो दे दिया है, ठीक है। पहला संख्या कितना है, एक दिया हुआ है, पहला संख्या एक है, तो नहीं कुछ तो एक के नीचे क्या है, नहीं कुछ तो एक है। और दो दिया है, दो के भी नीचे नहीं कुछ, तो हमेशा एक रहता है ना नीचे में भी, इसको और लिख देते, ठीक है। पहला दिया हुआ था एक, एक के नीचे नहीं कुछ तो एक है, और दो दूसरा दे दिया था दो, दो के नीचे नहीं कुछ तो एक है। अब देखिए नीचे में जो अंश बटे हर जो होता है, ये हर का जो है नीचे में दोनों का देखेंगे क्या दोनों का हर सेम है, तो देखिए यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों का एलसीएम एक होगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों का हर अगर समान है तो पाँच बोलेगा ना, पाँच परिमेय संख्या, तो उसमें से एक जोड़ करके यानी छः से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक दिया हुआ है तो एक गुना पाँच करेंगे, ठीक है, नीचे में भी सेम करेंगे, जैसे ऊपर किए हैं उसी तरह नीचे भी करेंगे, नीचे में एक गुना पाँच करेंगे। अब देखिए कितना संख्या दिया हुआ था, पहले पहला एक संख्या दिया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, ठीक है, एक ऐड कर देंगे, और फिर यहाँ पर भी पाँच प्लस एक, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे कि नीचे में हर समान है तो जितना संख्या बोलेगा निकालने के लिए, पाँच बोलेगा तो छः से गुना करेंगे, सात बोलेगा तो आठ से गुना करेंगे, नौ बोलेगा तो दस से गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन तभी यह नियम को अप्लाई कर सकते हैं दोनों का बेस समान हो, मतलब हर जो है समान होना चाहिए। अब चलिए इसको क्या कर देंगे, एक गुना तो एक ही हो जाएगा, और पाँच एक गुना क्या हो जाएगा, पाँच एक छः हो जाएगा ना, ये दोनों कोष्टक वाला जुट जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक अगुना पाँच एक छः बराबर, ये क्या हो जाएगा, छः बटे छः। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समान है तो ऊपर में दो है तो दो दे देंगे गुना, अब पाँच गो है परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, यहाँ पे एक संख्या पहले से दिया हुआ है तो एक यहाँ से ऐड कर देंगे, फिर नीचे में क्या करेंगे, एक है तो एक लिख देंगे, उसके बाद पाँच निकालने का रहा, पाँच एक संख्या पहले से यहाँ पे दिया हुआ है तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब टोटल इधर करेंगे तो दो गुना पाँच एक छः हो जाएगा, यहाँ पे एक गुना पाँच एक छः हो जाएगा, अगर दोनों को गुना कर दे तो छः दूनी बारह हो जाएगा, और नीचे में छः गुना एक छः हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा छः और बारह के बीच में कितनी संख्या आता है, पाँच, और यहाँ पे नीचे में क्या है, दोनों का हर समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं है। तो देखिए क्या क्या है, एक बटे एक को हम यहां पे क्या लिखेंगे, छह बटे छह, इसको हम क्या लिख सकते हैं, छह बटे छह, ठीक है। उसके बाद ये तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, छह के बाद क्या आएगा, छह के बाद सात आएगा ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सात बटे छह, यहाँ के लिख सकते हैं आठ बटे छः, यहाँ नौ बटे छः, यहाँ पे दस बटे छः, और यहाँ पे ग्यारह बटे छः, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारह बटे छः। अब देखिए ये संख्या आपको ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, एक इसको अगर छः से काट दें की हो जाएगा एक बटे एक, यानी कि एक आ जाएगा, पहले वाला संख्या मिल गया ना एक, ठीक, ये तो दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये जो सात बटे छः बचाएगी तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, छः, जब भी परिमेय संख्या निकालेंगे तो मानक रूप में निकालेंगे, ये तो थोड़ा सा कहीं कटने छटने वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मानक रूप में लिखेंगे, सात बटे छः हो गया, का इसको सेम उतार दे, का है कि कटने वाली नहीं है संख्या, लेकिन यहाँ पर देखिए चार दूनी दो चौक आठ और दो तीन छः कटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, चार बटे तीन, ठीक है। अब इसमें भी मानक रूप है, देखिए तीन तीन नौ, तीन दूनी छः, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीन बटे छः, एकदम छोटा सा छोटा रूप लिखेंगे, क्या है कि अब जो ये जो कटा है ना इससे छोटा नहीं हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, दो पंच 10, अद्वितीया 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/3। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए 11/6 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 11/6। अब देखिए ये 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, तो 2 बचा इधर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये संख्या को नहीं लेंगे, काहे कि एक ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे? ये वाला को, 1, 2, 3, 4, 5, आपका यही आंसर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, ये दोनों को मिटा देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ संकेत दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि हमें 3/5 को हम 30/50 लिखेंगे और 4/5 को हम 40/50 लिखेंगे। अब कहता है 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख दे। ठीक है, यह कंडीशन दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो पहले वाला जो जैसे 1/13 का बना है उस नियम पर हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है तो हम ये वाला नियम से बनाएंगे। ठीक है, वो नियम नहीं अप्लाई करेंगे, चलिए इस नियम से बनाते हैं। कहता है सबसे पहले तो दिया गया है 3/5 = 30/50 दिया है। ठीक है, 30/50 वहाँ पर देख सकते संकेत में दिया है, और कहता है 4/5 को हम 40/50 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना दिया है, कहता है कि ये चीज किए हैं। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, चूंकि पहले क्या कहता है 3/5 को हम 30/50 लिखते हैं, तो 30/50 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ इसको लिख दिए। उसके बाद एक और जो दिया है, कहता है 4/5 को हम 40/50 लिखते हैं, तो इसको भी हम 40/50 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए दोनों का हर क्या है, समान है ना, तो जब दोनों का समान हर है, इतना को इतना लिख दिए, इतना को इतना लिख दिए। ठीक, अब कंडीशन तो ये वाला अप्लाई हो चुका है, यहाँ दोनों कंडीशन वाले को लिख दिए। अब क्या कहता है कि 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो हम कितना निकालेंगे, 6। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 30/50 और 40/50 के बीच में ऑलरेडी 10 को परिमेय संख्या है, हमें गुना करने की क्या जरूरत है, क्या है नहीं है ना, इसलिए बोले कि जहाँ कंडीशन दे दिया जाएगा तो वो पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो रूल लगाए वो रूल यहाँ पे कंडीशन वाले में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई अगर करेंगे तो बहुत सारा निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करना, यहाँ खुद निकल रहा है 30, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, और दोनों का हार भी समान है, 30 और 40 के बीच में 10 संख्या आता है ना, मतलब 10 परिमेय संख्या ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्या, अतः 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ पे 30/50 है ना, इसीलिए 30/50 लिख देते हैं, 30/50 ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा क्या आएगा, 31/50 आएगा, 32/50 आएगा, उसके बाद 33/50 आएगा, उसके बाद 34/50 आएगा, उसके बाद 36/50 आएगा। अब देखिए 5 को पुर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहीं पुर गया, लास्ट में कितना था 40/50 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से आएगा डॉट 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 और संख्या इसके बाद है ना 40/50, तो ये तो आपको ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, होगा कौन, ये वाला। तो अब देखिए यही को लिखेंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसीलिए 31/50 और 32/50, 33/50, 34/50 और 36/50
50 आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी तरह से बनाना है, यहाँ कंडीशन दे दिया था इसीलिए इस नियम पर बनाए, नहीं तो हम पहले वाला नियम पर भी बना के निकल जाते। ठीक है, आसानी से जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो रूल बनाया है बताए हैं, और जिसका हर समान हो वो रूल सभी पे काम करेगा, वो रूल इस पे भी काम करता है क्योंकि इसमें भी समान था लेकिन कंडीशन दे दिया था कि 3/5 को हम की लिख रहे हैं 30/50 और 4/5 को हम 40/50 लिखे, किया कुछ नहीं है, यहाँ नीचे ऊपर 10 से गुना कर दिया, देखिए 10 से ऊपर भी गुना किया 10 से नीचे भी गुना किया तब ना 40 30/50 हुआ, यहाँ भी 10 से गुना किया नीचे भी 10 से गुना किया तब ना 10 गुना 4 40 और 10 गुना 5 50, बस 10 से गुना कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आप चाहे तो 20 से भी गुना कर सकते हैं किसी भी संख्या निकालने के लिए, आप चाहे तो 5 5 से भी कर सकते हैं नीचे में समान के, लेकिन हाँ हर समान होना चाहिए, नीचे में बेस जो है समान होना चाहिए तब जाकर के वो आंसर निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 4/5 और 7/13 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, इससे पहले 5 का आता था तो एक परिमेय संख्या बोलेगा तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर एक परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ठीक है, ऐसा होता है। अगर हम एक और होता है इसका एक ये वाला होता है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो सिंपल संख्या, आदि एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 4 दिया हुआ है, तो इस पर बना लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर बटे में दे दें, ठीक है, अगर x में दे दे कुछ भी 5/6 और y बराबर 7/3, अगर बटे में दे दे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, बटे को सिर्फ भाग में दे देंगे, x प्लस वाई तो रहेगा ही, x प्लस वाई रहेगा ही। ठीक है, इसको थोड़ा सा कोष्ट में करके इधर भाग में दो लगा देंगे। ठीक है, अगर बटे में दिया रहे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और डायरेक्ट दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या दिया है, बटे में दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, 4/5 और 7/13, यही चीज दो चीज ने दिया गया है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि एक्स ये हो गया, समझिए एक्स बराबर ये हो गया वाई बराबर। ठीक है, तो हमको x प्लस वाई बराबर लगा ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, तो इस ये वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस 7/13 कोष्ट में आ जाएगा भागा 2। अगर हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लें तो दोनों का एलसीएम लेंगे 13/5 65 हो जाएगा, ये 5 13 बार में इसको काटेगा, 13/5 65 मतलब 13 बार में काट रहा है, 13 चौक 52, यानी कि ऊपर से गुना हो जाता है ना, 13 चौक 52 प्लस ये 13 इसको कितने बार में काटेगा, 5 बार में, तो 5 7 35 जो जितना नीचे से काटते हैं वो वाला जितना शेषफल बचता है ऊपर से गुना कर देते, तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर। इसको कोष्ट में घेर देंगे। अब देखिए ये जो भाग में है क्या इसको हम गुना में बदल सकते हैं, जब हम गुना में बदलेंगे तो नहीं कुछ, इसके नीचे में एक है, ये एक कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे जाएगा ये 2 नीचे चल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 7 2 5 2 7 और 5 3 ये 8 हो गया। ठीक है, नीचे में कितना है, 65 है, और गुना इधर क्या है, 1/2 है। चलिए अभी इसका भी हल कर देते हैं। ठीक है, तब आंसर ही निकल जाएगा, इसीलिए लिखेंगे, अतः ऊपर में 87 गुना 1 तो 87 हो जाएगा, और 65 गुना 2 हो जाएगा कितना, 130। जैसे देखिए 5 2 10 6 2 12 1 13 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर ऐसा संख्या दे तो डायरेक्ट x प्लस वाई, अगर सिंपल देगा तो x प्लस वाई 2/2 पर निकाल लेना है, अगर बटे में दिया रहेगा तो x प्लस वाई भागा 2 करके निकाल लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए तो दोनों का हर समान है, समान है तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला रूल बताए थे ना कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक अधिक करके गुणा कर देंगे, डायरेक्ट उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसी नियम पर इसको हम बनाते हैं। दिया गया है तो जो चीज़ पहले दिया गया है -2/5 दिया गया है, और दूसरा में -1/5 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों को अलग अलग करके -2/5, और नीचे में लिख देंगे इसका -1/5। अब दोनों का कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो पहले वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही चीज़ रूल लगाएंगे, 2/-2/5 है तो लिख दिए 2/5। ठीक, इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा लकीर बना के गुना कर देंगे, कितना परिमेय संख्या कह रहा है, 3 ना, 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, कितना से,
चार से, ये नीचे जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो बराबरी की हो जाएगा, चार दूनी आठ, पाँच चौक बीस, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट वो नीचे वाला को करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, तीन परिमेय संख्या बोल रहा है तो एक बढ़ा करके, तो माइनस माइनस एक बटे पाँच है तो एक बटे पाँच लिख देंगे, ठीक है। और तीन परिमेय संख्या कह रहा है तो चार से गुना करेंगे, और नीचे भी चार से गुना करेंगे, तो एक गुना चार कितना हो गया, चार हो गया, और नीचे में पाँच चौक बीस हो गया, और यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इतना दोनों को निकाल लिए हैं, तो अब इसका निकालते हैं डायरेक्ट आंसर। तो क्या लिखेंगे, अतः आठ माइनस आठ बटे बीस, आठ बटे बीस के बाद क्या देखिए, चार तक लेकर जाएंगे, तो चार कब तक जाएगा, घटते क्रम में जाएगा ना, एक आ जाएगा माइनस सात बटे बीस, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस छः बटे बीस, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस पाँच बटे बीस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस चार बटे बीस दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला चीज़ दिया हुआ है और ये वाला चीज़ हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसको छोड़ करके ही होगा। तो देखिए इसके छोड़ करके तीन परिमेय संख्या आया, अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें एक ही संख्या ना छोटा होगा, यहाँ से दो तीन छः, दो दूनी दस, दूनी बीस होगा। अब चाहे तो मानक रूप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखिएगा तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर लिख देंगे, इसीलिए माइनस सेवन बटे ट्वेंटी, चाहे तो इसको काट सकते हैं, दो तीन छः, दो दही बीस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस तीन बटे दस। देखिए लेकिन यहाँ पे जो है ना बेस अलग हो जाएगा, इसलिए इसको काटना नहीं है, ठीक है, बेस को सेम रखना है, तो काटेंगे तो अलग हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ा जाएगा, यहाँ छः बटे बीस रखेंगे, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस छः बटे बीस, इधर हो जाएगा माइनस पाँच बटे बीस, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 0 और 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे, दिया गया है, पहला दे दिया है 0 और दूसरा दे दिया है 0.2, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, पहले क्या लिखेंगे 0 बराबर, तो 0 का हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। अब 1 के बाद तो कितना भी 0 रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमको चाहिए 3, तो 3 लिखेंगे क्या 0.10 लिख सकते हैं। का है कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या के बाद 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और पहले जो है, अगर पहले कोई नंबर नहीं है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो 0.1 नहीं कुछ है तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा में क्या है 0.2, तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 लिख सकते हैं। काहे कि 2 तो है संख्या, लेकिन 2 के बाद जो भी 0 आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको दो संख्या मिल गया, आप देखिए 0.10 और 0.20 के बीच में कितने संख्या, 10 संख्या है, तो हमें तो चाहिए 3 ही ना, तो 3 निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 0.10 और 0.20 के बीच तीन परिमेय संख्या है। देखिए तो क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.10 तो है ही, तो अब क्या आएगा 0.11 आ जाएगा, 0.12, 0.13, तीनों को ना बोल रहा है, तो 0.11, 0.12, 0.13 और डॉट 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 क्या आएगा लास्ट में 0.20, लेकिन ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये तो अपना लेना नहीं है, ठीक है, जो दिया है उसको तो नहीं लेना है ना, तो जो नहीं दिया है उसको लेंगे, तो नीचे में लिखेंगे इसीलिए 0.11, 0.12, 0.13 आपका ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कहता है, 4/6 और 6/7 के बीच में दो परिमेय संख्या निकाले, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाना है, देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, जो चीज़ दिया गया है उसको आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि 4/6, 6/7 दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस समान है, नहीं है, नहीं है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे,
एलसीएम निकालेंगे किसका, नीचे वाला का, हर का, छः और सात, सात का अगर इसका दोनों का एलसीएम हम निकालें तो क्या आएगा, सात छः बयालीस, सात छः बयालीस एलसीएम आएगा। ठीक है, जब एलसीएम बयालीस आ गया, अब देखिए किस लिए इसको निकाले हैं थोड़ा देर में पता चल जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ पहले दिया गया है उसको लिख देंगे, चार बटे छः, और नीचे में दूसरा क्या दिया है, छः बटे सात। अब देखिए इसको हम किस लिए लिखे हैं, यहाँ तो चार बटे छः जो है, चार बटे छः लिख देंगे, अब बराबर ऊपर में छः बटे सात है तो सात लिख देंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। अब इसको इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बयालीस जो है, इस बयालीस जो एलसीएम आया है, इस बयालीस को हमको यहाँ पुराना है। ठीक है, छः में कितना से गुना करेंगे जो बयालीस पूर जाएगा, तो देखिए छः में अगर हम सात से गुना करते हैं तो बयालीस पूरेगा, बयालीस तो पूर जाएगा, तो यहाँ नीचा में बयालीस आ गया। ठीक है, लेकिन नीचे तो गुना कर दिए सात से, लेकिन ऊपर जो है ऊपर नहीं करेंगे तो क्या सही होगा, नहीं होगा, कहा कि नीचे छः सात है, ऊपर में सात नहीं है, इसीलिए ऊपर भी करेंगे, तो सात छः सात चौक अट्ठाईस, ऊपर भी हो गया। ठीक है, अब नीचे में देखिए सात में कितना से गुना करेंगे जो बयालीस पूर जाए, ठीक है, नीचे कितना बयालीस पूर जाए, तो यहाँ से सात में अगर हम छः से गुना करेंगे तो सात छः बयालीस पूर जाता, जब नीचे गुना किया तो ऊपर में गुना करेंगे तो छः छः के छत्तीस, ये दो गो निकल गया है। अब देखिए यही चार बटे छः को कितना बना दिया, अट्ठाईस बटे बयालीस, और यही छः बटे सात को कितना बना दिया, छत्तीस बटे बयालीस। अगर हम इसको काट दें, काट करके अगर शॉर्ट में लिखें तो यही चीज़ ना आ जाएगा, चार बटे छः, इसको भी हम काट कर लिखें तो छः बटे सात आ जाएगा। ठीक है, इसी के जगह पे ये आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे में, अतः चार बटे छः और चार बटे छः और छः बटे सात के बीच कितने परिमेय संख्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या केवल बोल रहा है ना, तो दो परिमेय संख्या है। देखिए दो परिमेय संख्या तो आसान से निकल गई, यहाँ अट्ठाईस है, यहाँ छत्तीस है। ठीक है, अट्ठाईस और छत्तीस के बीच में लगभग लगभग छः परिमेय संख्या आ जाता है, सॉरी आठ परिमेय संख्या आ जाता है, इसको हम लिख देंगे। यहाँ तो देखिए दिया गया है चार बटे अट्ठाईस बटे अट्ठाईस बटे बयालीस को हम क्या लिख सकते हैं, चार बटे छः ना, यहाँ लिख दीजिए ना अट्ठाईस बटे बयालीस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उनतीस बटे बयालीस, सॉरी उनतीस बटे बयालीस आएगा, उसके बाद तीस बटे बयालीस आएगा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कहा है कि हमें दो ही परिमेय संख्या बोल रहा है, इधर क्या आ जाएगा छत्तीस बटे बयालीस हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको काट देंगे तो छोटा का रूप करेंगे तो यही वाला रूप ना हो जाएगा, हमके दो का परिमेय संख्या क्या आया है, क्या आ गया उनतीस बटे बयालीस अकोमा तीस बटे बयालीस, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या कहता है, तीन बटे चार और चार बटे तीन के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का रहा है, तो एक परिमेय संख्या वाला अगर बताए थे ना कि अगर बटे वन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एक्स प्लस वाई अपॉन टू लिख देंगे, अगर बटे में कोई संख्या है तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू भागा में दो, ताकि गुना में वह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बटे में दिया गया है तो लिख देंगे, चूंकि तीन बटे चार पहले दिया गया है तो तीन बटे चार लिखेंगे, उसके बाद चार बटे तीन है तो चार बटे तीन लिख देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आगे भी दिक्कत नहीं होगा, x प्लस वाई बोल रहा है ना, तो x प्लस वाई एक्स के जगह पे क्या है तीन बटे चार है तो तीन बटे चार हो जाएगा। ठीक है, प्लस y के जगह पे चार बटे तीन है तो चार बटे तीन कर देंगे, यहाँ तक तो कर दिए, अब भागा में क्या लिखेंगे, दो भागा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो चार तिया बारह, ये चार क्या बार में काटेगा, तीन बार में, तीन तिया नौ, ऊपर में गुना हो गया। ठीक है, ये तीन चौक बारह, चार बार में काटेगा, ऊपर में गुना हो गया, चार चौक सोलह। अब यहाँ से दस जो भाग लगा है, अगर हम बदल दें इसको गुना में तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो इसके नीचे एक, एक ऊपर चल गया, दो नीचे चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे का क्या हो जाएगा प्रोसेस, नौ प्लस सोलह पच्चीस, नीचे में कितना हो गया बारह, गुना एक बटे दो। अब आगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए पच्चीस गुना एक पच्चीस हो जाएगा, बारह दूनी चौबीस, तो लिख देंगे यहाँ, अतः तीन बटे चार है ना, तीन बटे चार और चार बटे तीन के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कितना है,
25 बटे 24 है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 20 में कहता है 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, केवल दो परिमेय संख्या कहता है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, दिया गया हमें क्या क्या दिया गया है, 1/2 दे दिया है, उसके बाद 3/4 दे दिया है, ठीक है। तो ये जो दे दिया है तो दोनों का हर तो समान है नहीं, जब समान नहीं रहेगा तो 2 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसा कंडीशन में जब समान नहीं रहता तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, जो संख्या 2 और 4 दोनों समान है, सम संख्या, तो सबसे जो बड़ा वाला होगा वही हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो संख्या दिया है 2 इसको लिख देंगे, और बाद वाला जो संख्या दिया गया है 3/4 इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको हम किस लिए लिखे हैं, तो यहाँ तो नीचे हम लिख देंगे 1/2 अब बराबर एलसीएम लाने पर कितना आया है, 4 ना, तो नीचे में 4 लिखेंगे, ऊपर नहीं नीचे लिखना है 4, ठीक है। देखिए अब किस लिए लिखे हैं पता चल जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे जो 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ 2/4 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम है तो इसीलिए दोनों का एलसीएम नीचे में 4 है, यानी कि हमें बेस समान कर दिए, ठीक है। अब देखिए अभी समान नहीं हुआ, ये तो एलसीएम सिर्फ लिख दिए, अब किस तरह से समान करना है उसको थोड़ा सा देखिए। 1/2 था तो 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब ये 2 में ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें जो 4 पूरे जाए, ठीक है। तो ऐसा एक ही संख्या है जो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना पूरेगा, 4 पूरेगा। तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी ना 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4 पूर गया। चलिए अब सेम उसी तरह देखिए 3/4 को हम यहाँ 3/4 लिखे हैं, और नीचे में एलसीएम 4 आया था तो 4 पूरा आए थे, किस लिए, जो कि बेस समान हो जाए। अब देखिए 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जो 4 पूर जाए, अगर हम यहाँ 1 से गुना कर दें तो क्या 4 गुना 1 4 पूरेगा, पूर गया। ऊपर भी अगर हम 1 से गुना कर दें तो 1 1 दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 2 जैसे किए हैं तो दोनों दोनों कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 1 भी कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 गुना 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल गया, अब 2/2 2/4 है, यहाँ 3/4 है, देखिए दोनों का हर समान हो गया ना। जैसे ही हर समान हो गया तो क्या बोलते थे, जितना संख्या बोलेगा परिमेय संख्या निकालने उनसे एक अधिक करके गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक से अधिक गुना करके लिखते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए पहला संख्या क्या दिया हुआ है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक अधिक करेंगे, जब यहाँ आधार समान हो गया है तो क्या करेंगे, एक अधिक करके गुना करेंगे, 2 गुना कितना कह रहा है निकालने के लिए, 2 परिमेय संख्या ना, 3 से गुना कर देंगे, 2 परिमेय संख्या कहेगा तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 12, यहाँ तक क्लियर। सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे, जब आधार समान हो गया तो कितना 2 परिमेय संख्या कर रहा है, हम 3 से गुना करेंगे, क्या कि 1 बढ़ा करके करेंगे, उसके बाद नीचे में 4 है तो 3, तो कितना हो गया, 3 3 9 और 4 3 12, ठीक है। अब देखिए 6 और 9 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, आराम से हो गया। चलिए इसको हम लिख देते हैं, अतः 1/2 और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या क्या है, 6/12 है, पहले क्या है, 6/12 है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा ना, इसको अगर हम यहाँ से काट दें, 6 इकाई 6 6 दूनी 12 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 7/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद 9/12 है। तो देखिए ये तो दिया हुआ है 9/12, इसको काटेंगे 3 3 3 9 3 4 12, ये तो 3/4 मिल गया। तो फाइनल में क्या होगा, लिख देंगे इसीलिए फाइनल 7/12 और 8/12, यही दो गो आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और पहले चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोग का नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, कहता है 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखें, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर में लिख दिया है, चलिए इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, ये लिख लेना है, उसके बाद देखिए क्या क्या दिया गया है, 1/3 और दूसरा दे दिया गया है 1/2। अब देखिए ये दोनों का बेस समान नहीं है, बेस समान नहीं रहता तो उसका क्या नियम है,
वो दोनों को क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है दोनों का, तीन और दो का। नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम एलसीएम जब इसका हम निकालेंगे तो तीन दूनी छः एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो दिया गया है एक बटे तीन पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद नीचे में जो एक बटे दो, उसके बाद एक बटे दो दिया गया इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको हम किस लिए काय लिखे हैं, वन अपॉन थ्री लिख देंगे। अब बराबर एलसीएम जितना हम लाए हैं हमको यहाँ बेस में पुराना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू बराबर में यहाँ क्या पुराना है, बेस में छः पुराना है। अब देखिए किस तरह से पूरेगा, अगर हम यहाँ बेस से बेस में दो से गुना करते तो तीन दूनी छः हो जाएगा, जब नीचे दो से गुना किए तो ऊपर भी करेंगे तो दो गुना एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट तैयार हो गया। अब नीचे में देखिए, अगर हम यहाँ तीन से गुना कर देते तो तीन दूनी छः, ये भी पूर जाता है तो ऊपर भी तीन से कर देंगे, तीन गुना एक यहाँ तीन हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो और तीन के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हमें तो कह रहा है दो परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या कह रहा है तो क्या करते हैं, एक संख्या अधिक से गुणा करते हैं नीचे ऊपर, तो हमें क्या मिल जाता है, अगला पर संख्या मिल जाता है। दो परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो दो परिमेय संख्या कह रहा है एक बढ़ा करके गुणा करेंगे तीन से, तीन ऊपर और तीन नीचे, इसमें भी तीन ऊपर और तीन नीचे। अब देखिए कितना हो गया, तीन दूनी छः, छोतिया अठारह, यहाँ से क्लियर। उसके बाद इसमें भी देखिए, तीन तिया नौ, ऊपर में छोतिया अठारह। अब बताइए छः और नौ के बीच में दो परिमेय संख्या आता है, तो आराम से निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः एक बटे तीन और एक बटे दो के बीच दो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, तो एक पहले क्या है, वन सिक्स अपॉन एट यहाँ पे लिख देंगे, सिक्स अपॉन एटीन, उसके बाद क्या आएगा, सेवन अपॉन एटीन, उसके बाद क्या आएगा, एट अपॉन एटीन, उसके बाद नाइन अपॉन एटीन। ये वाला आपको ऑलरेडी दिया हुआ, अगर इसको हम काट दें नौ इकाई नौ, नौ दूनी अठारह, ठीक है। अगर हम इसको काट दें ये वन अपॉन टू हो जाएगा, अगर हम इसको काट दें छः इकाई छः छतिया अठारह, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन एटीन और एट अपॉन एटीन, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, कहता है 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, दिया गया है, दिया है यहाँ पे 0 और कोमा 0.1, ठीक है, ये आपको दे दिया है। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले जो पहले दिया है 0, क्या हम 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1, नहीं पूछे तो नीचे में 1 ही हो सकता है ना, नहीं पूछे तो 1, 10 भी लिख सकते हैं क्योंकि इतना भाग देंगे तो 0 ही आता है। सेकेंड में क्या दिया है, 0.1, यदि हम इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या 1 बटे 10 हो सकता है ना, ठीक है, 1 बटे 10 हो सकता है। अगर हम 0 और 1 के बीच की बात करें तो कोई परिमेय संख्या आ नहीं रहा है, हमें तो कह रहा है दो परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ ऊपर भी 10 से गुना कर दें, नीचे भी 10 से गुना कर दें, तो ये हो गया 10 गुना 1, 10 हो गया, और नीचे में 10 गुना 10 100 हो गया, ठीक है। यहाँ तो 10 हो गया, ऊपर में कितना है, 0 है, 0 के 10 के बीच में 9 परिमेय संख्या आता है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना से गुना करना है जो कि ये नीचे में 100 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ ऊपर में 100 से और नीचे में भी 100 से गुना कर दें तो क्या 1 गुना 100 तो क्या हो जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में 0 गुना 100 तो 0 ही होगा ना। अब देखिए 0 बटे 100 और 10 बटे 100 के बीच में कितने 9 परिमेय संख्या है ना, आराम से निकल गया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, पहले 0 है तो 0 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0 अपॉन 100, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 100, उसके बाद 2 अपॉन 100, उसके बाद 3 अपॉन 100, उसके बाद 4 अपॉन 100, 5 अपॉन 100, 6 अपॉन 100, 7 अपॉन
हंड्रेड, उसके बाद एट अपॉन हंड्रेड, फिर नाइन अपॉन हंड्रेड, उसके बाद टेन अपॉन हंड्रेड, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर इसको हम काट दें 100, ये क्या हो जाएगा, 0.1 में बदल जाएगा, क्योंकि एक बजेगा ऊपर में तो इतना हो जाएगा। इसको भी हम काट दें, ये किस में बदल जाएगा, ये 0 कट ही जाएगा, मतलब नहीं कुछ रहते हो, 0 × 100 लिखेंगे तो ये 100 100 कट गया, तो बराबर क्या हो गया, 0 हो गया है ना, यानी कि कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए हमें किताब में आंसर दिया गया है, ये 5 और 7 लिया है, यहाँ आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको आंसर लिख देते हैं, आंसर में क्या हो जाएगा आपको, 5 अपॉन 100, उसके बाद 7 अपॉन 100। अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नीचे में 2 अंक हैं इसीलिए 0.05, देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं 0.07, ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है, इसको भी उसी तरह से बनाना है, चलिए इसको बनाते हैं। दिया गया है लिखेंगे, चूंकि फर्स्ट में क्या दिया गया है -2/3 और सेकेंड में क्या दिया है -1/5, ठीक है। अब देखिए दोनों का बेस यहाँ पे समान नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले करके हमें समान करना है, किसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 * 3 = 15, ठीक है, 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट में दिया गया है -2/3 लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका जो है -2/3 में ऐसा किससे गुना करें, ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें जो मेरा एलसीएम यहाँ आ जाए, ठीक है, बटे में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे कि माइनस में आ रहा है, उसी तरह से नीचे में भी -1/5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ -1/5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जो माइनस यहाँ पे 15 आ जाए, मतलब ये वाला बेस उड़ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ से 5 से इंटू कर देते तो 5 * 3 = 15 हो जाता है, ठीक है, तो जब नीचे किए तो ऊपर से भी करना पड़ेगा, तो 5 × 2 = 10, ऊपर हो गया 5 × 2 = 10, नीचे हो गया 5 * 3 = 15, देखिए पुड़ गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 दिया हुआ है तो हमको 15 पुराना है ना, तो अगर हम यहाँ 3 से गुना करते हैं, ऊपर भी 3 से गुना करते हैं, तो 5 * 3 = 15, नीचे 15 पुड़ गया, तो इधर ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, अब देखिए -3/15 हो गया। अब देखिए इसके बीच में हमें 7 परिमेय संख्या मिल गया, हमें तो कह रहा था 2 ही परिमेय संख्या ना, कोई भी उठा लेंगे आंसर मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। तब देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले तो --10/15, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा -9/15, उसके बाद क्या हो जाएगा -8/15, उसके बाद -7/15, उसके बाद -6/15, -5/15, उसके बाद -4/15, उसके बाद -3/15, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, इस बीच में से कोई भी 2 उठा लीजिए, ठीक है, वो दोनों परिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी 2 उठा लीजिए, यही उठा लीजिए या इधर से उठा लीजिए, जो भी उठाना है, तो हम इधर से ले लेते हैं -9/15 और उसके बाद -8/15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग को जितने भी परिमेय संख्या का जो निकालने वाला था सभी सवाल सॉल्व हो चुका है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, थैंक यू।